Hello everyone, so welcome to NGK tutorials. So today we'll be learning about Armstrong number and its logic, how to find Armstrong number. पहले देखते हैं कि what is an Armstrong number. Suppose मेरे पास कोई भी number है 153. अब मुझे check करना है कि 153 Armstrong number है कि नहीं. So इसे check करने के लिए हम individual digits का cube करेंगे. Individual digits यहाँ पे 1, 5 and 3 है. तो पहले 1 cube, 5 cube और 3 cube. Cube करने के बाद इन तीनों का sum अगर 153 आ रहा है तो 153 is an Armstrong number. You can see कि ये number and ये number दोनों same है, so it is an Armstrong number. So we have a program out here. यहाँ पे पहले हम लोगों ने main में चार variables लिए हुए हैं integer data type के. First variable हमारे पास है n. n is a number which we are going to input. R है हमारा remainder. हम देखेंगे आगे की remainder का क्या काम है यहाँ पे. Next और एक variable लिया है sum और उसको हम लोगों ने initialize किया है 0 को. और दूसरा variable, चौथा variable लिया हुआ है temp. इस temp में हम हमारा original number store करके रखेंगे. आगे देखेंगे हम कि temp n r का क्या काम है. इधर cout में हम लोगों ने किया है enter number. Enter number मतलब हम जो यहाँ पे number enter करने वाले हैं जिसको हमें check करना है कि कौन सा Armstrong number है. Suppose मैंने यहाँ पे enter किया number 153. मुझे check करना है ये Armstrong number है कि नहीं. उसके बाद हमने क्या किया है cin में हम लोगों ने n को store किया है. Next step में हमने किया है temp is equal to n. यहाँ पे क्या हो रहा है, n का value कितना है, 153 है. तो हम क्या कर रहे हैं, n का जो भी value है वो किस में store करा रहे हैं, temp में store करा रहे हैं. मतलब यहाँ इस step में temp is equal to 153 हुआ. temp के अंदर 153 stored है. Next हमने एक loop लगाया हुआ है, while loop. while loop में हमने लिखा है n is greater than 0. इसका मतलब ये है कि जब तक n greater than 0 है, यहाँ पे हमारा n क्या है, 153. अगर मैंने यहाँ पे लिखा 153 is greater than 0 है क्या, this condition is true. जब भी condition true होगा तब हमारा loop के अंदर जाएगा और loop के अंदर जो भी statements है वो execute होगा. अगर हमारा condition suppose यहाँ पे minus one is greater than 0 ये false है तो क्या होगा, loop के बाहर आ जाएगा. अभी के लिए हमारे पास जो n है वो greater than 0 है, उसके लिए हमारा loop के अंदर जाएगा. अब इस statement पे क्या हो रहा है, r is equal to n percentile 10. I hope कि आपको percentile और division वाले sign में difference पता है, ये मैं मान के चल रही हूँ. Next में r is equal to n percentile 10 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, r is equal to n का value क्या है, n का value 153 है, 153 percentile 10. इसका this is equal to 15.3 होता है. एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 3 is our remainder. ये percentile क्या करता है कि remainder को लेता है. और division क्या करता है, 15.3 है तो 15 को वो आगे लेके जाएगा. अब next step में हमारा क्या है, यहाँ पे क्या बना है, r is equal to 3 बना. next में क्या है, sum is equal to sum plus r का cube. sum का value initialize हमने किया हुआ है 0 को, तो यहाँ पे हम sum का value 0 रखेंगे. 0 plus r को 3 times हमने multiply किया है क्योंकि हमको cube करना है हर digit का. तो हमने क्या किया है, अभी r का value हमको मिला है 3. यहाँ पे r को क्या करेंगे हम, 3 into 3 into 3 करेंगे. इसका value जाके 0 plus 3 cube is 27, तो 0 plus 27 27 आता है. तो यहाँ पे हमको मिला sum is equal to 27. नेक्स्ट स्टेप में क्या किया हमने, n इज इक्वल टू n बाई 2 किया है. n का वैल्यू क्या है, 153 है. तो 153 डिवाइडेड बाई 10, यहाँ पे प्लीज आप. सो अभी नेक्स्ट है हमारे पास n इज इक्वल टू n बाई 10. तो n इज इक्वल टू n का वैल्यू क्या है हमारे पास, हमने इनपुट किया था 153. तो 153 डिवाइडेड बाय 10, जब इसको करेंगे तो इसका वैल्यू आएगा 15.3. अब हमारा n का वैल्यू होगा सिर्फ 15. तो मतलब अभी हमारा n क्या हुआ, 153 से हम 15 पे आए हैं. नेक्स्ट स्टेप, अब वापस हम while लूप में जाएंगे. while लूप पे जाके चेक करेंगे n का वैल्यू क्या है, 15 है. तो 15 इज़ ग्रेटर.
सो नेक्स्ट हमने देखा कि हमारा n का वैल्यू 15 आया हुआ है. यहाँ पे हम चेक करेंगे कि हमारा जो n है ग्रेटर देन 0 है कि नहीं. क्योंकि n का वैल्यू 15 है, दैट इज़ ग्रेटर देन 0. ग्रेटर देन 0 है तो वो क्या करेगा, लूप में जाएगा. अब लूप में जाने के बाद फिर से ये वाला स्टेटमेंट हम वापस एग्जीक्यूट करेंगे, r इज इक्वल टू n परसेंटाइल 10. अभी हमारा सेकेंड स्टेप में n का वैल्यू क्या है, 15 है, तो r इज इक्वल टू 15 परसेंटाइल 10 हो जाएगा. दिस इज इक्वल टू, इसका वैल्यू आएगा 1.5. अब क्योंकि हमने परसेंटाइल यूज़ किया हुआ है तो हम क्या करेंगे, रिमाइंडर को यूज़ करेंगे. तो r का वैल्यू क्या हुआ सेकेंड स्टेप पे, r इज इक्वल टू 5 बना. नेक्स्ट स्टेप में हमारे पास है सम इज इक्वल टू सम. तो सम इज इक्वल टू, इनिशियली सम का वैल्यू, पहले जब हमने फर्स्ट स्टेप पे कैलकुलेट किया था सम का वैल्यू हमारा 27 बना था. तो यहाँ पे हम सम का वैल्यू डालेंगे 27 प्लस वापस आर क्यूब है. आर का वैल्यू अब हमको क्या मिला है, 5 मिला है. तो हम क्या करेंगे, 5 into 5 into. अभी हमने क्या किया, वैल्यूज डाला हुआ है इसको, 27 प्लस 125 ये बनता है 152. तो हमारा अभी न्यू वाला सम बना है 152. ओके, अब हमारे पास तीसरा स्टेप भी बचा है. n इज इक्वल टू n बाई 10. हमारा n का वैल्यू क्या है, 15 है, तो n इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10, ये बनेगा 1.5. अब क्योंकि हम लोगों ने डिवीजन का साइन यूज़ किया है तो n का वैल्यू बनेगा 1. ठीक है, अब n का वैल्यू 1 बना है तो वापस हम व्हाइल लूप में जाएंगे. व्हाइल लूप में चेक करेंगे कि हमारा जो n है वो ग्रेटर देन 0 है कि नहीं. n का वैल्यू 1 है, 1 इज़ ग्रेटर देन 0, ये कंडीशन ट्रू है, तो वो क्या करेगा, वापस लूप में जाएगा. अब तीसरा स्टेप में वापस दोबारा सारे स्टेप्स रिपीट होंगे. तो r इज इक्वल टू n का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 परसेंटाइल. अब हमने देखा r इज इक्वल टू 1 परसेंटाइल 10, तो इसका वैल्यू आता है 0.1. क्योंकि हमने परसेंटाइल यूज़ किया है तो r क्या करेगा, सिर्फ हमारा रिमाइंडर पार्ट को लेगा. और यहाँ पे हमारा रिमाइंडर क्या है, 1 है, तो r का वैल्यू कितना बना, 1 बना. वापस हम अगले स्टेप में जाएंगे. सम इज इक्वल टू सम प्लस सम इज इक्वल टू, अभी सम का वैल्यू क्या बना था पिछले बार, 152 बना था. 152 प्लस r का वैल्यू क्या है, 1 है. 1 into 1 into 1, दिस विल बी इक्वल टू 150. नेक्स्ट स्टेप पे हमारे पास n इज इक्वल टू n बाई 10. हमारा अभी n का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पे हम 1 को डालेंगे. 1 डिवाइडेड बाई 10 आता है 0.1. अब क्योंकि डिवीजन वाला साइन यूज़ किया है तो हम क्या करेंगे, सिर्फ हम ये वाला नंबर लेंगे. अब हमारा नंबर क्या बना है, 0 बना है. व्हाइल लूप में जाओ, यहाँ पे आप चेक करोगे तो ये कंडीशन फॉल्स होगा. तो उसके बाद वो क्या करेगा, बाहर आएगा. बाहर आने के बाद हमारे पास इफ़ वाले स्टेटमेंट है. इफ़ में हम क्या, हमने क्या लिखा है, इफ़ टेम्प इज इक्वल टू सम. अभी टेम्प में इनिशियली हमने कुछ वैल्यू स्टोर करी थी. क्या किया था हमने, टेम्प इज इक्वल टू एन, मतलब हमने एन में एन 153 एंटर किया है और टेम्प इज इक्वल टू एन किया, मतलब टेम्प इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 153 है. यहाँ पे 153 इज इक्वल टू हमारा सम का वैल्यू क्या है, 153 आया है. दोनों नंबर सेम है तो वो क्या करेगा, सी आउट वाला स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, जो कि आउटपुट में आएगा इट इज़ एन आर्मस्ट्रॉन्ग नंबर. अगर यहाँ पे मान लो 154 आया रहता तो वो क्या करेगा, एल्स में जाएगा. एल्स में लिखा है हमने नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग, तो वो नॉट आर्मस्ट्रॉन्ग को एग्जीक्यूट करेगा. थैंक यू फॉर वॉचिंग.